ठिकाणी चंद्रगड वारियर ढवळेच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते. मंगेश दादा बेलुसे, नक्कीच मंगेश दादा बेलुसे पोलादपूर गोल्डन मॅन. पांडुरंग सपकाळ विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते मंगेश दादा यांचा सन्मान करायचे. पांडुरंग सपकाळ साहेब, मंगेश दादा बेलुसे यांचा या ठिकाणी सन्मान करण्यात येते. ढवळेगावचे सुपुत्र पांडुरंग सपकाळ साहेब, एक घाटकोपरचे एक दमदार नेतृत्व, यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सन्मान करण्यात येते. हा नक्कीच मंगेश दादा बेलुसे यांचा सन्मान केला जातोय पोलादपूर तालुक्यातील गोल्डन मॅन म्हणून ज्यांची ओळख. राइट आर्म ओवर द विकेट ऑन साइड के ऊपर, शाम के वक्त इस ग्राउंड के ऊपर तेज तर्रार छक्के आते हैं और ये छक्का आता हुआ बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से 6-7 टोटल बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ पहला ओवर चल रहा है. 12 मिनट के अंदर ये 4 ओवर खत्म होने जरूरी. मैं वॉलंटियर्स ना विनंती कर दो ढवळेचे चंद्रगड वॉरियर्सचे वॉलंटियर्स की आपण सीमारेषेचा ताबा घ्या म्हणजे चेंडू पटकन आतमध्ये येईल मैदानाच्या बाहेर गेलेला. या ठिकाणी चांदलेगावचे सुपुत्र नारायण शेठ शिंदे यांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात येते. मी नारायण शेठ यांना विनंती करतो की आपण कृपया मंचावरती या. राइट आर्म ओवर विजय भाई मोरे यांच्या शुभ हस्ते बैक फुट पे जाके इस गेंद को खेला डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र पर एक रन जरूर मिला. क्या मिलेगा दूसरा और ये दूसरा रन मिलता हुआ और इस दूसरे रन के कारण नारायण शेठ मोरे आमचे परम मित्र यांचा सन्मान या ठिकाणी विजय भाई मोरे यांच्या शुभ हस्ते करण्यात येते. अक्षय बनाम अक्षय के बीच का नारायण शेठ शिंदे यांचा सन्मान विजय भाई मोरे यांच्या शुभ हस्ते. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को हल्के हाथों से खेला था शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से गेंद ट्रैवल होती हुई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन अक्षय के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन 4 टीम का टोटल 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है. हमारे दोस्त निखिल मोरे खुश है आज 2 मैचेस जीते हैं उनकी टीम ने बोरावड़े ने. चंद्रगढ़ वॉरियर्स क्या गाना बनाया है चंद्रगढ़ वॉरियर्स के ऊपर भी काफी लुभावना काफी अच्छा गाना बनाया जा चुका है. शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं चंद्रगढ़ वॉरियर्स के सभी मेंबर्स का जिन्होंने मुझे 2 दिन बोलने का मौका दिया बतौर कॉमेंट्रेटर. लेकिन मैच स्पीड अप चाहिए स्पीड अप. और ये देखिए ये क्या हो रहा है डॉट गेन के साथ रुकावट टोटल वहीं पर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. पहला ओवर है ये आपको लगा तीसरा है मुझे भी अच्छा लगता फिर. राइट आर्म ओवर द विकेट ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला एक रन जरूर मिलेगा क्या मिलेगा दूसरा और ये दूसरा रन मिलता हुआ. डांसिंग अंपायर प्रदीप शिंदे हमारे खेमे में मौजूद है. 27,500 इनाम मिला उन्हें माणगांव में. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अंपायर के लिए अपने अच्छे डांस की वजह से. गोटिया को मिला था मेरे सामने 27,000 इनके 500 ज़्यादा है और मुझे 22 मिला था उस मैच में. कुल मिला के एक इंसान ने 49,000 इनाम दिया था कॉमेंटेटर्स और अंपायर को. हाँ आज ज़रूर पार्टी देंगे वो डिनर शाम का संडे का. पुष्पा हमेशा कहते हैं प्रदीप शिंदे डांस के समय पुष्पा हूं मैं फ्लावर नहीं फायर हूं मैं झुकेगा नहीं साला. चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला इसका स्क्वायर कट मारने की कोशिश एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. आ चुका है ओवर नंबर चल रहा है दूसरा. चलिए स्पीड अप कीजिए दूसरे ओवर की पहली गेंद खत्म हो चुकी है. ये स्लोर वन की थी वेरिएशन के तौर पर ऊंचा खेला है ऊंचाई ज्यादा क्या लंबाई भी कैरी होगी और लंबाई भी कैरी होती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर स्लॉग किया इस गेंद को बल्लेबाज अक्षय ने लंबा छे
लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन, और इन 6 रनों की बदौलत टीम का कुल टोटल आ चुका है 22 रन। 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर 1 रन जरूर मिला, 23 पे आता हुआ टोटल 23 रन ओवर नंबर दूसरा। लेकिन बोरावली टीम ने समय बचाया 5 गेंदों वाला, जो अंपायर ने तीसरा अंपायर लेकर व्यस्त किया था समय, क्योंकि काफी क्लोज हो तो ठीक है। तीसरा अंपायर यहां से भी नजर आ रहा था कि 100 में से 99% बल्लेबाज आउट हो सकता है। 23 रन, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, 1 रन जरूर मिला, 24 पे आता हुआ टोटल। एक बाय के तौर पर इशारा किया है हमारे अंपायर ने, उनके इशारे के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। देखिए जितनी तेजी से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ना, उतनी तेजी से गेंदबाजी होनी चाहिए। जाएंगे जाएंगे, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, ऊपर नहीं जाने का। नहीं भाई, आजकल इंसान का भरोसा नहीं है, हार्ट फेल बहुत ज्यादा तादाद में हो रहे हैं। आज मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, कल न्यूज चैनल पर ये भी आएगा, हार्ट फेल की वजह से मौत मेरी। ये आजकल के इंसान का कुछ कहा नहीं जा सकता। टीम का टोटल 25। तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा, 26 पे आता हुआ टोटल, 27 पे आता हुआ टोटल अगर ये दूसरा रन पूरा होता है तो। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, तमाम दर्शक, उन तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। चंद्रगढ़ ट्रॉफी 2023 ऑर्गेनाइज बाय चंद्रगढ़ वॉरियर्स डवड़े, फौलादपुर तालुका ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन अंतर्गत ये प्रतियोगिता। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, ओवर नंबर करेंगे तीसरा गेंदबाज नीलेश कोलस्कर, शैलेश कोलस्कर। ठीक है, जल्दबाजी में होता है कभी कभी ऐसा। नीलेश कोलस्कर साहब ने भी बॉलिंग की है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनकर उन्होंने ऐसी गुगलियां डाली जिन गुगलियों की वजह से क्रिकेट में सुधार आ चुका है फौलादपुर ग्रामीण के। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ये डॉट गेंद आई, 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 5 गेंदों का खेल अभी भी शेष इस इनिंग का। इस इनिंग के बाद मैं लूंगा आपसे अलविदा, लेकिन चंद्रगढ़ ट्रॉफी के ऑर्गेनाइजर इनसे मैं जरूर इनका जरूर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे बतौर कमेंटेटर मौका दिया। आने वाले दिनों में कई बार हम जरूर मिलेंगे, नीलेश पवार और हम बतौर कमेंटेटर फौलादपुर वासियों के सामने कई बार मिलने वाले हैं मई के महीने तक। हमारी गणेश केसरकर साहब की टूर्नामेंट कब आ रही है, मई के महीने में ना, 13-14 मई, और नीलेश पवार साहब का 15 मई को जन्मदिन। जन्मदिन के आपको एडवांस में शुभकामनाएं। और यह सीधा खेला लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज अक्षय की। ना मैं किसी हीरो का बच्चा हूं, मैं तो सीधा साधा अक्षय, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। तो चलिए 2 रन यहाँ पर मिलते हुए टोटल आ चुका है 37, 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है 37 रन।
और इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा, और ये दूसरा रन मिलता हुआ इन दो रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 39 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तो ये व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है, तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर टोटल आ चुका है 40 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फुल टॉस आया था और इस गेंद को खेला सीधे बल्ले से, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन टोटल आ चुका है 44 रन, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 15 की औसत से 45 रनों की जरूरत है टीम देवड़े को जीतने के लिए। अपोजिशन से उनके खोपड़ खोपड़ टीम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, 15 की औसत से 45 रनों की जरूरत है, तुरंत फील्डिंग यहां फैलानी है, बाकी प्लेयर अंदर जाना है, अब बाकी खिलाड़ी चलिए अंदर जाइए ना, खोपड़ बाकी खिलाड़ियों को अंदर जाना है, स्पीड अप कीजिए, बार बार मैं ये कह रहा हूं। तेरह गेंदे और 38 रनों की शानदार पारी खेली अक्षय ने, उस पारी के बदौलत तो मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 45 रनों की जरूरत है। फील्डिंग करने वाली टीम खोपड़ से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, टोटल आ चुका है 45। इस इनिंग की कमेंट्री करेंगे हमारे साथी गणेश जी के सरकार। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी है, 45 रनों की जरूरत। चलिए मैच की तरफ स्पीड अप, बार बार मैं कह रहा हूं भाई दौड़ो तेज गति से, तेज गति से दौड़ो, मैंने कहा था। मैच की तरफ हम चलेंगे, कोपड़ गांव से सन्माननीय मनीष जी पार्टे साहब यांचं मनापासून स्वागत, विनू जी पार्टे यांचंही मनापासून स्वागत। अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, यहां पर अंपायर का नो बॉल का इशारा, अंपायर ने क्या कहा, किस वजह से नो बॉल है, ये फील्ड की वजह से।
फ्रीड अगली गेंद 45 रन बन सकते हैं। बल्लेबाज राकेश अगर अच्छा करे इस फ्रीड के ऊपर तो मैच की तरफ हम चलेंगे। टाइम पास हो रहा है, फ्रीड है और हमारे साथ पोलादपुर क्रिकेट का ज्ञान और तजुर्बा जिनके पास है वो कमेंटेटर दिलेश पवार सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ और हमारे डांसिंग अंपायर प्रदीप शिंदे। ये डॉट गेंद आई, फ्रीड वाली गेंद थी, 45 की दूरी तय करनी है। एक गेंद इस ओवर की हो चुकी है। क्या ये चम्मा लंबा छे, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, बल्लेबाज राकेश के बल्ले से इसी तरह अगर 7-8 छक्के आए तो मैच खत्म। और ये ट्रेन जा रही है, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी भूमि मुझे याद आ रही है। चलिए स्पीड अप, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा फाइनल क्षेत्र पर और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई कितना 8 रन। प्रदीप शिंदे कह रहे हैं कि क्या धूप आ रही है, निंबर निंबर बोलते निंबर उनाला। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, ऑन साइड के ऊपर पुल करने की कोशिश की थी, नाराज होंगे बल्लेबाज अपने आप के ऊपर क्योंकि ये नौता था, ये बोनस था, दीपावली के बाद का भी बोनस लेना चाहिए था, होली के बाद भी फुल शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। अभी नए साल आने वाला है मराठी मानुस का, मैं तो आपसे उस वक्त तक रूबरू नहीं रहूंगा लेकिन सभी पोलादपुर वासियों को, सभी चंद्रगढ़ वॉरियर्स ठवड़े और ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है चंद्रगढ़ ट्रॉफी 2023 आने वाली गुड़ी पाड़वा नववर्ष मराठी मानुस उसकी शुभकामनाएं। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई, दूसरा भी मिला, 45 रनों की जरूरत है और इन दो रनों के साथ 10 रन। हमारे साथ मेरे साथी स्कोरर रवि यादव थोड़े से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं स्पीड 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 कई चक्कर में एक रन ना चुक जाए। 5 गेंदे, कितना जल्दी लू हुई अभी गणेश केसरकर, ये अगर सुबह से होता तो अब तक टूर्नामेंट खत्म होता। इंसान भी देखिए जब प्यास लगती है तो कुआं खोदने चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्यूचर में आपको पानी की जरूरत है। टोटल आ चुका है 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 गेंदे बची है, 34 रनों की अभी भी जरूरत, 17 की औसत। चलिए बगैर टाइम पास खोपड़ सुबह हमने आराम किया, चलिए जलसा चलता है वैसा चलने दिया, अब नहीं ऐसा नहीं होता। सुबह से अगर हम समय को बचाते रहते तो आज अब तक ये टूर्नामेंट खत्म होता। हो नहीं गया लेकिन ये होगा जरूर, अगर ये छक्का आता है तो मैच में कहानी में ट्विस्ट। क्या छोड़ा, कई मैच ना छोड़ा हो, तीसरा रन मिलेगा क्या और ये मिलता हुआ 3 रन, 34 की जरूरत थी 12 गेंदों में, 3 रन आ चुके हैं, 31 की जरूरत बची हुई 11 गेंदों में, 11 गेंदे 31 रनों की जरूरत, रनों और गेंदों के बीच का फासला है 20 का, 3 छक्के जरूरी है लेकिन चाय की चुस्कियां आना जरूरी, चाय की चुस्कियां। रिवर्स दागने की कोशिश, जरूरत नहीं है क्योंकि हवा का झोंका हमारी तरफ है, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के ऑन साइड के ऊपर है। फिर से एक बार एक क्या छोड़ा, रन मिले, एक ही रन मिला और इस एक रन के साथ 15 पे आता हुआ टोटल। हाँ सीने में दर्द हो रहा है, 10 गेंदे 30 रनों की जरूरत, राइट आर्म राउंड द विकेट, ये ऐसे 30 नहीं बनेंगे 10 में, एक तो छक्का आना चाहिए इस ओवर में, एक दो छक्के आने चाहिए, 9 गेंदे 29 रनों की जरूरत।
हाँ यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सीधा खेलेगी बोरावड़े के साथ और वहां से एक टीम निकलेगी, तीन तीसरी क्वालिफायर टीम होगी। दो टीमें निकल चुकी है, तीन जब निकलेगी तो लकी ड्रॉ होगा, एक सीधा फाइनल में जाएगी और दूसरा होगा सेमीफाइनल दो टीमों के बीच। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला टीम को अलग बाउंड्री के बाहर, ये चार रन आते हुए और इन चार रनों के साथ टोटल में वृद्धि आती हुई 20 रन, 25 की अभी भी दूरी है, गेंदे बची है आठ, आठ गेंदे 25 रन, इरादा करो पक्का गेंदबाज को तो धक्का लगाओ छक्का ताकि आपके सपोर्टर्स हो हक्का बक्का। हाँ बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी, ये दिखाओ वरना कुछ नहीं होगा। सिंगम ने जिस तरह जयकांत छीकरे को बताया था कि आली ने आली अतः तुझी बारी आली, ये दिखाना होगा बल्लेबाज को तब जाके ये रन पूरे होंगे। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 22। हाँ दो ही निकले वरना देवड़े के ही ना गणेश केसरकर आला रे आला पण गेला रे गेला। आला होता पण तो अर्थवटच आला षटकार काय होता सतु काय झाला सतु। नवफलकावर धावा लागल्यात त्या 22, घाबरू नका मे महिन्यात आराम असतो आम्हाला। हा आणि खरोखर ज्यावेळी 22 हा आकडा ज्यावेळी समोर येतो निलेश दादा कोळसकर आम्हाला सांगतायत की खऱ्या अर्थाने मी चेंडू हातात घेतला की नाही, तरुणाजीत घेतला असेल त्यांनी, पण अध्यक्ष या पदाचा काटेरी मुकुट जो त्यांनी त्यांच्या डोक्यावर परिधान केला आहे त्याला पूर्ण न्याय त्यांनी दिला आहे। पोलादपूर ग्रामीण तालुका क्रिकेट असोसिएशन अध्यक्ष, कॅल्क्युलेशन करा बघा। एक धाव घेतली जाते आहे, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते। बोरावळे आपला कर्णधार पाठवा टॉस साठी, बोरावळे बोरावळे संघ आपला कर्णधार पाठवा। चला धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 24, 21 धावांची अजूनही गरज। स्पीड अप कंटिन्यू सुरू राहील। पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत चंद्रगड वॉरियर्स धवळे आयोजित चंद्रगड चषक 2023 या स्पर्धेसाठी आमच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी कोकणाचे परमार्थिक भाग्य विधाते परमपूज्य सद्गुरु दादा महाराज मोरे माऊली या ठिकाणी यांचं थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होते। मी सर्व ग्रामस्थ मंडळी चंद्रगड वॉरियर्सचे सर्व सदस्य या सर्वांना विनंती करते, आपण सर्वांनी या ठिकाणी महाराजांच्या स्वागताची तयारी करायची आहे। काही क्षणातच गुरुमाऊलींचं या ठिकाणी आगमन होणार आहे। या चंद्रगड वॉरियर्स चंद्रगड चषक 2023 मध्ये सहभागी झालेल्या सर्व खेळाडूंचं आम्ही समस्त ग्रामस्थ त्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय। परमपूज्य सद्गुरु दादा महाराज मोरे माऊली यांचं थोड्याच वेळात या ठिकाणी आगमन होते। परमार्थिक आशीर्वाद सुद्धा आता या स्पर्धेला मिळेल। खोपड संघाचा कर्णधार आणि बोरावळ संघाचा कर्णधार ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेशजी कोळसकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा आम्ही या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतोय। खोपड संघाचा कर्णधार